नमस्कार नमस्कार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये हमारे लिए परम गौरव एवं सम्मान का विषय है कि शिलान्यास का यह पुनीत कार्य हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के कर कमलों से संपन्न हुआ है। आज उनकी प्रेरणास्पद उपस्थिति एवं उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित होंगे। ये विश्वविद्यालय वस्तुतः हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के स्वप्न का ही साकार प्रतिफलन है। इस अवसर पर हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कृपया करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। यह भी हमारे लिए सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर हमारे मध्य माननीय श्री भजनलाल जाटव मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री, श्रीमती गंगा देवी माननीय विधायक, श्री आलोक बेनीवाल माननीय विधायक, श्री सतवीर चौधरी पदाधिकारी राज्य क्रीड़ा परिषद हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम महिमामय एवं गरिमामय हुआ है। सभा में अनेक गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री गोपाल मीणा जी माननीय विधायक जम्वा रामगढ़, स्थानीय प्रधान, अनेक प्रधान भी यहाँ पर है, बगरू एवं जयपुर के बहुत से नागरिक, मणिपाल विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम हम पुष्प गुच्छ से सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे और मैं विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय श्री भजनलाल जाटव साहब का स्वागत करेंगे, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री अयूब खान साहब, माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव साहब का स्वागत करेंगे, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक जय नारायण वर्मा जी, और माननीय विधायक श्रीमती गंगा देवी का अभिनंदन करेंगे, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक श्री नीरज जैन, आलोक बेनीवाल जी का रजिस्ट्रार साहब, आलोक बेनीवाल जी, माननीय विधायक श्री आलोक बेनीवाल शाहपुरा जी का अभिनंदन करेंगे, कुल सचिव विश्वविद्यालय के श्री अयूब खान साहब, श्री सतवीर चौधरी पदाधिकारी राज्य क्रीड़ा परिषद का स्वागत भी हमारे कुल सचिव महोदय करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक ऐतिहासिक अवसर है जो आज घटित हो रहा है और हम सभी उसके साक्षी हैं। विधि विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप जी न केवल एक विजनरी स्वप्न दृष्टा हैं, बल्कि एक अद्भुत कर्मयोगी भी हैं। विगत 2.5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए अपनी अपूर्व दृष्टि और अद्भुत ऊर्जा से जितने संस्थागत और रचनात्मक कार्य संपन्न किए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो है अनेक दशकों में भी ये कार्य कर सकता है। और इसमें पूर्ण आशीर्वाद एवं सहयोग हमारे मुख्यमंत्री जी का उनको मिलता रहा और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी प्रशंसा भी की है। देव स्वरूप जी की विशेषता ये है कि वे अपने सौहार्दपूर्ण व्यवहार से सभी का हृदय जीत लेते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में उनका जो कार्यकाल था अपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ, उसको हम सभी वहां पर आज भी उसका स्मरण करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि फलक ने ठानी है जहां बिजलियां गिराने की, फलक ने ठानी है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। मैं इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं स्वागत वक्तव्य के लिए
माननीय कुलपति श्री देव स्वरूप जी को। थैंक यू प्रोफेसर के जी शर्मा जी। परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय पीडब्ल्यू मिनिस्टर श्री भजनलाल जाटव साहब, हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव साहब, हमारी यहाँ की विधायक मैम श्रीमती गंगा देवी जी, हमारे सम्माननीय विधायक श्री आलोक बैनीवाल जी, हमारे अपने छात्र सतवीर चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, आगंतुक अतिथि, स्थानीय नागरिक तथा मीडिया के साथियों, आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पता है कि मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही ये कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थल पर जाकर होगा, ऑनलाइन माध्यम से इसका शिलान्यास नहीं होगा। और ये आज उनका बढ़पन है और इसीलिए हमने उनकी इच्छा के अनुरूप कुछ काम शुरू कर दिए, लेकिन हमने कुछ ब्लॉक्स को रोका जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास हो सके। आज ये कार्य पूर्ण हुआ है, ये बहुत बेहद मौका है इस विश्वविद्यालय के लिए। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों में किस तरह ये विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, निरंतर सहयोग आशीर्वाद दिया, निरंतर हमको मदद दी गई, फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई, और इस तरह से आज ये विश्वविद्यालय इस जगह पर जो 25 एकड़ से ज्यादा भूमि है उस पर निर्मित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब कार्यक्रम परसों शाम को फिक्स हुआ तो मैंने राज्यपाल महोदय को सूचित किया और उनसे कहा कि इस अवसर पर अगर वो उचित समझे और संभव हो तो कृपया अपनी शुभकामनाएं दें। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और ये कहा है कि मैं शुभकामनाओं को यहाँ पर पढ़ूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाजत से माननीय राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश को पढ़ना चाहता हूँ। संदेश: यह जानकर प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के स्थायी परिसर का शिलान्यास 16 नवंबर को आयोजित हो रहा है। विधि विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास सुखद अवसर है। विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का बड़ा प्रयोजन यह भी है कि विद्यार्थी जाति, धर्म, समुदाय आदि के संकीर्णताओं से मुक्त हों तथा योग्यता एवं गुणवत्ता उनकी पहचान का आधार बने। शिक्षा को मैं सांस्कृतिक प्रक्रिया मानता हूं। मैं चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय अपने गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रमों के साथ अपने यहाँ शैक्षिक स्तर से निरंतर वृद्धि करने में प्रयास करें। यहाँ से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी विधि व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के जागरूक नागरिकों के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े विद्वेता भी रहे हैं। अंबेडकर ने अपने अध्ययन का बहुत सारा समय देश दुनिया के कानूनों को जानने और समझने में व्यतीत किया था। उनकी शिक्षा के आलोक में आपका यह विश्वविद्यालय विधि शिक्षा का विश्वभर का उत्कृष्ट केंद्र बने, मेरी ऐसी कामना है। मुझे विश्वास है आपका यह विश्वविद्यालय अकादमिक गुणवत्ता, शोध कार्य की मौलिकता एवं नवीनता तथा सृजनात्मकता, मेधा एवं ऊर्जा से निरंतर प्रगतिमान रहते भविष्य के लिए कार्य करेगा। शिलान्यास समारोह के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कलराज मिश्र, तालियां बजा दीजिए गवर्नर साहब के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से यह जो विश्वविद्यालय बना है यह कोई मामूली बात नहीं। यह देश का तीसरा विश्वविद्यालय है जो राष्ट्र विश्वविद्यालय है, जिसके साथ पूरे प्रदेश के विधि विश्वविद्यालय संबद्ध हैं। आज पूरे प्रदेश में 84 विधि महाविद्यालय हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और अभी तक करीब 28,000 छात्रों को का हम नामांकन अपने विश्वविद्यालय के साथ कर चुके हैं। मैं सर एक चीज यहाँ आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा जो आपका बहुत बड़ा कंसर्न है और निरंतर आपकी चिंता उसके लिए है कि जब हमने इन महाविद्यालयों को संबद्ध किया तो हमारी कमेटीज ने पाया कि बहुत से कॉलेजेस में योग्य
क्वालिफाइड शिक्षकों की कमी है। हमने कहा कि अगर हमारे विश्वविद्यालय के साथ आपको संबद्धता चाहिए तो गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। और नतीजा ये है सर कि पिछले 5 महीने में नेट क्वालिफाइड शिक्षक 350 से 400 की संख्या में इन विधि महाविद्यालयों में अपॉइंट हुए हैं, जो सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि 350 लोगों को आपने जॉब दे दिया, बल्कि विधि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उस पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। जब शिक्षक होंगे, जब नियमित पढ़ाई करेंगे, नियमित कक्षाएं लेंगे, तो विधि शिक्षा का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। और आपकी यह चिंता कि हमारे प्रदेश के विधि स्नातक उतने काबिल नहीं होते या नहीं हो पाते हैं, वो आपकी चिंता निकट भविष्य में जरूर दूर हो जाएगी। महोदय ये जो प्रमिसेस है, ये प्रमिसेस काफी विशाल है और इसमें लैंडस्केपिंग के साथ से हम डेवलप कर रहे हैं। अगले सेशन में हमारी कोशिश है कि यहीं से हम इसकी शुरुआत करें और आपके आशीर्वाद से, आपकी मौजूदगी में, आपके करकमलों से यहाँ पर उसका, इन भवनों का लोकार्पण भी आपसे कराएं, ऐसी हमारी बहुत ख्वाहिश है। तालियां जोरदार बजाइए मुख्यमंत्री जी के लिए प्लीज, ये उनका बहुत इनिशिएटिव है। और सर सबसे बड़ी बात है, जब ये विश्वविद्यालय यहाँ से संचालित होने लगेगा और जिस तरह से हमारी योजना है शिक्षकों को लाने की, कम से कम 40 डिसिप्लिन्स में हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसमें आम लोगों के लिए लीगल एजुकेशन की अवेयरनेस, जो लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, जो लोग सामान्य लोग हैं जो अपनी इसमें ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्राम होगा। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स लॉ, एनिमल लॉ एंड ऑयल से रिलेटेड लॉ, इतने एरियाज में अभी लीगल एजुकेशन एक्सपेंड कर गया है, क्योंकि जहां भी हम रेगुलेशन की बात करते हैं वहां पर लीगल एजुकेशन का रोल शुरू हो जाता है। सर आपकी आज यहाँ मौजूदगी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उच्च शिक्षा के लिए और सामान्य जो लोग हैं और जो इसमें लगे हुए हैं और हमारे जैसे जो कर्मठ लोग हैं उनके प्रति आपका कितना भावनात्मक लगाव है, क्योंकि आज आपकी यहाँ मौजूदगी पूरे प्रदेश के लिए ये मैसेज है। हम सब लोग जानते हैं कि आपने कितनी बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थाओं का को एस्टेब्लिश किया है और अभी वो प्रक्रिया जारी है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट की आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो हमारी स्क्रीन लगी है, सब लोग देख रहे हैं कि जरा ब्रीफ जो इस प्रांगण का जो आज आपने परिसर का जो शिलान्यास किया है वो मूल रूप से किस तरह का दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो आर्किटेक्ट भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को भी वो उसके भी आर्किटेक्ट हैं। तो निशांत बहुत ब्रीफली सर को एक ओवरव्यू सर सब लोगों को कराइए जल्दी से। Yeah.
अभी जो आपने आधारशिला रखी है सर, बनने के बाद वो इस तरह का लगेगा, पूरा कैंपस टेक्नोसेवी होगा, स्मार्ट क्लासरूम्स, लेटेस्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ लाइव। तो सतवीर वहां पर स्टूडेंट थे और हमारे छात्र नेता थे और बहुत ही शालीन छात्र थे ये। इसके अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय इसमें जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं विकसित होंगी, उनमें सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को उनकी सहभागिता, उनका योगदान, उनके उनके हितों की रक्षा सबसे पहले सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि उन सब ने हमें यहाँ, जब हमारा मेजरमेंट भी हो रहा था, प्रोजेक्शन हो रहा था, सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है और मैडम बहुत इस बात से खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे क्षेत्र को एजुकेशन हब बना दिया है। सर, विश्वविद्यालय आपके आशीर्वाद से निरंतर प्रगति की तरफ है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इसमें कोई भी शक नहीं है कि आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय देश का नंबर वन और नंबर टू नहीं जानता, लेकिन सबसे बेहतर विधि विश्वविद्यालय होगा। आपके निरंतर आशीर्वाद और सहयोग के साथ हम सबको धन्यवाद और स्वागत के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑनरेबल डॉक्टर देव स्वरूप जी। विश्वविद्यालय के सतत उन्नयन के लिए आपकी जो प्रतिबद्धता है वह अखंड है और उत्साह अदम्य है। थैंक यू सो मच। विधि विश्वविद्यालय का यह परिसर 26 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका जो लेआउट प्लान है, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही प्रभावी एवं चित्ताकर्षक है। इसके अलावा अनेक नवाचारों से, नवीन उद्भावनाओं से युक्त हैं। इस परिसर में आपको ऐसी अनेक यूनिट्स मिलेंगी जो आपको जयपुर शहर के किसी भी परिसर में देखने को नहीं मिलेंगी। और बगरू क्षेत्र में इस परिसर के विकास में सतत मार्गदर्शन और वास्तविक सहयोग हमें मिलता रहा यहाँ की विधायिका माननीय श्रीमती गंगा देवी द्वारा। मैं उन्हें इस अवसर पर आमंत्रित करता हूँ कि वे हमें अपने संबोधन से गौरवान्वित करें। नंबर
आज के मुख्य अतिथि अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री जी, मंत्री राजेंद्र जी, शिक्षा उच्च पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जी, बेणीवाल जी, सतवीर जी और कुलपति जी, आज जती गहलोत साहब की तारीफ करे जती कम है। क्यों? गहलोत साहब जब बने थे तब कह रहे थे अक मैं देता देता नहीं थकूंगा, लेता लेता थक जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी भाई बात कर दिया, अब मांगने के लिए कुछ बचे होने बगुर विधानसभा में। क्यों? इके मायने चार चार इनिशिएटिव जी में देश प्रदेश का बच्चा पढ़ेला। छोटा सा गांव जा जिस मैं सोने गेंदी जी आया था जिदी ने गोद लिया जा जिदी काई कौन सा उजाड़ जो वहां का अच्छा पैर पड़े में दम्बी कला के मायने जो आज ही के मायने चार चार यूनिवर्सिटी खुल गई। आबाया पीटिया याद करे ली, सोनिया जी ने भी करे ली और गहलोत साहब ने भी करे ली। क्यों? देश प्रदेश का बच्चा पढ़ेला, गांव वाले रोजगार भी मिले लो, धंधा भी मिलेला और बच्चे फट फट कर तरक्की भी करेला। इनके लिए मैं गहलोत साहब को धन्यवाद दू जो और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को भी बढ़िया अच्छी नींव लगाई। यह रामगढ़ में जारी जी कॉलेज इनिशिएटिव अम्बेडकर तो गहलोत साहब बुलाया बंगला पर एक दिन बैठा और बात करे मैं कि साहब उन्हें डूंगरा में कौन जाए लो हाईवे पर लिया नहीं ने। यहां से नहीं जो था को नसीब जो बगरवाड़ा को जो अति बड़ी यूनिवर्सिटी आ गई। नहीं बगरवाड़ा तो साहब मैं तो धन्यवाद देती हूँ अकी के मायने गहलोत साहब। देखो सब कहता ही बड़ा कहता है, बच्चा कहता है, बूढ़ा कहता है, सब कहता है सोचे छे। बूढ़ा की पेंशन बांधे छे, बच्चा कहता है कॉलेज छे, फड़वा के खर्चे छे, और 2 रुपए किलो गेहूं भी दे छे, फ्री इलाज भी करे छे, और ज्यादा बीमारी हो जाए 10 लाख तक की सेवा भी दे छे। खुद को बेटो नौकरी लाग जाए तो बूढ़ा माँ बाप ने 5 रुपए हाथ में कौन दे। अरे गहलोत साहब 1000 रुपए की पेंशन घर बैठे भेजे छे और इस वाई का चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री। अब तो आ चाहो सारी सुविधा रसोई खोल रखी छे, 8 रुपया में खानो मिले छे। अगर मजदूर कहीं भी मजदूरी करे हो 8 रुपया में आज खानो खा लियो, ये भी गहलोत साहब ही चलाया ने। तो गहलोत साहब की तो योजना तो इतनी कर दी और गणाओ तो सब बहुत टाइम लग जाए। अरेंड बैठे थे सरपंच, प्रधान, पूर्व प्रधान, नगर पालिका से आया चेयरमैन, पार्षद, सबको मैं धन्यवाद दीजो। अगर दूर दूर से भीड़ ले आई इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी अब की साहब अति लेडीज आई छे, ए कर दिया गहलोत साहब खूब दे दिया, मांग मान मखन खाई कौन बच्चो आने बिशलपुर को पानी चाहिए साहब। और देखो ये खर्चा के साहब से कह दीजियो अगर मैं कॉलेज में तो जज जाओ ना पानी वाले जज। गरीब सु गरीब गरीब सु गरीब आदमी महीना को 1500 रुपया को पानी डलावे डलावे छे। गरीब सु गरीब आदमी अगर मजदूर भी आदमी 1500 रुपया को पानी डला लो, कर पिसाणो तो ज्यादा डला ले, पर गरीब सु गरीब आदमी 1500 रुपये महीना को पानी डला लो जद भी को महीनो निकले लो। तो एक हिसाब अति मैं माई बहना बेटी थे आखिर प्रार्थना सुन जो और बिशलपुर का पानी को बंदोबस्त कर दीजिए।
ये रिंग रोड आला था साहब, रिंग रोड आला जिते अपनी सरकार कौन सी बीजेपी की सरकार जी ने खूब दखा मुखी बेघर कर दिया था। अरे अपने आदमी जब वसुंधरा पट्टा दी ने वसुंधरा जी जिता अपना आदमी लिया कौन है अगमा को राज आए लो मुख्यमंत्री जी आयला गहलोत साहब जब पट्टा लिया ला बस आप चार साल से भटक रहा थे तो आके पट्टा की भी रिंग रोड आला की भी सुध ले लीजिए। ज्यादा मार्ग मांग भी कौन है, सारा काम आप कर रहे थे, मांग मान कोई बचे कौन, दो तीन काम से छोटा छोटा तो कर दीजिए। जय हिंद जय भारत, राम राम साहब। माननीय विधायिका श्रीमती गंगा देवी के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके कुशल नेतृत्व से ये बगरू क्षेत्र जो है उच्च शिक्षा की दृष्टि से धन्य हो गया है। आपको नमन, हमारा नमस्कार। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक शाहपुरा श्री आलोक बेनीवाल साहब को की। माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव बहुत ही ऊर्जावान एवं कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं और इस अवसर पर हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करने के लिए आए हैं, हमारा सौभाग्य है। माननीय मंत्री, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय भजन लाल जी, आपकी लाडली विधायक गंगा देवी जी, भाई आलोक बेनीवाल जी विधायक शाहपुरा, सम्मानित मंच वीसी साहब, तमाम यहाँ मेरे पिता तुल बुजुर्ग, हम उम्र साथी, माताओं बहनों और युवा शक्ति, सबसे पहले मैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने व्यस्त समय में से इन्होंने यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पहुंचकर, और मैं देख रहा था अंदर शिलान्यास कार्यक्रम में साथ कितनी तन्मयता से आज शिलान्यास में वो ईंट रख रहे थे, ये शिक्षा के प्रति इनका भाव दिखता है। समय का अभाव है, मैं कहना चाहूंगा ये जो सपना आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने देखा, पूरे देश में 23 विधि महाविश्वविद्यालय हैं। मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि राजस्थान में एक विधि विश्वविद्यालय हो, ताकि जो हमारे वकील हैं उनमें क्वालिटी की शिक्षा हम दे सकें आगे वकालत की पढ़ाई में, और एक कंट्रोल उसका हो। मैं वीसी साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं इनको, इन्होंने इतने कम समय में प्रदेश के 84 जो विधि महाविद्यालय थे उन सबको एक छतरी के नीचे लाकर उनकी क्वालिटी में जो सुधार किया है, उसका डंका आज पूरे नॉर्थ इंडिया की जितनी स्टेट है उसके अंदर बज रहा है। मैं कहना चाहूंगा आपको, जिस प्रदेश के अंदर जनता अनुशासित होती है वहां 80% कानून व्यवस्था अपने आप ठीक रहती है। ये जो विधि विश्वविद्यालय खोला गया है इसके अंदर एक भावना ये है कि हमारे यहाँ से जो अनुशासित लोग निकले वो आगे इसका प्रचार प्रसार करें, जितने वकील बने। मैं वीसी साहब से एक निवेदन करूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते कोई हमें पूरे प्रदेश में ग्रेजुएशन के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर चलाना चाहिए जिसमें हमारे कानून का बेसिक ज्ञान हर बच्चे को मिले, ताकि वो जब अपनी पब्लिक लाइफ में आए, काम में आए, तो उसको कम से कम इतना कानून का ज्ञान हो कि उसके अधिकार क्या हैं और उसके अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा, साथ साथ उसके कानून कितना उसके साथ है और कहाँ उसको कानून की पालना कितनी करनी है। जिस दिन प्रदेश में ये बात आ जाएगी, सुनना है कि उस दिन प्रदेश में जो अनुशासन कानून व्यवस्था हमारी आज भी अच्छी है वो और सुदृढ़ होकर निकलेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज बगरू क्षेत्र में जिस तरीके का ये विकास की गंगा आई है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। राम राम साहब, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव साहब। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के जादुई व्यक्तित्व और करिश्माई कृतित्व से आप सभी सुपरिचित हैं। हमारे वरिष्ठ मंत्री पीडब्ल्यूडी के भजनलाल यादव साहब, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक साहबरा भाई आलोक बेनीवाल जी, शतबीर चौधरी जी, उपाध्यक्ष राजस्थान क्रीड़ा परिषद डॉक्टर देवस्वरूप जी, आपके डायनेमिक वाइस चांसलर, यहाँ तमाम पदारे हुए इस फैकल्टी के तमाम मेम्बरान भाई और बहनों, नौजवान साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के शिलान्यास समारोह के अवसर पर मुझे बहुत खुशी है कि एक सपना जो देखा था वो साकार हो रहा है। दूसरी बार जब मैं आप लोगों का आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, तब हम लोगों ने डॉक्टर साहब के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हृदय जोशी के नाम से पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी। पता नहीं, सरकार बदलती है तो काम रुकने नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में कई बार सरकार बदल जाती है, पर जनता के जो काम है वो रुकने नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से पिछली बार जो सरकार थी उसने दो विश्वविद्यालय, एक तो यही जाम बैठे और एक हृदय जोशी के नाम वाला पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, दोनों को वापिस असेंबली में जा करके विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मैंने सुना, देवस्वरूप जी तो यूजीसी में रह गए हैं, ज्यादा जानते होंगे, कोई विश्वविद्यालय बना है देश के अंदर एक बार, वो कभी बंद नहीं हुआ है। पहली बार ये दो विश्वविद्यालय बंद किए गए। उसी वक्त मेरे दिल के अंदर ये भाव पैदा हो गए, अगर मुझे तीसरी बार मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, दोनों विश्वविद्यालय वापस शुरू करके दिखाऊंगा। और वो मौका मुझे दिया प्रदेश की जनता ने। जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया तो पहला काम मैंने ये किया, दोनों विश्वविद्यालय के वापस एक्ट बनाए हमने। आज मुझे खुशी है कि शानदार कैंपस आप देख रहे हो कि बन रहे हैं। यहाँ पर 380 करोड़ की लागत से बन रहा आपका ये पैसा, जिसमें 119 करोड़ रुपये तो स्वीकृत दे दी गई है फर्स्ट फेज की। इस प्रकार से शानदार कैंपस बन रहे हैं, शानदार आपका वाइस चांसलर बन गया यहाँ पर, जिसको मैं लेके आया हूँ। मतलब मैंने कई लोगों को रिक्वेस्ट की बनने के लिए वाइस चांसलर, तो देवस्वरूप जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, इसलिए इनका अलग तरह का मान सम्मान मेरे दिल के अंदर है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीसी रहे, तब भी इन्होंने जम के वहां काम किया, टीचर की भर्ती करी, 30-30 साल 20-20 साल अटकी हुई भर्ती थी वहां पर, टेक्निकली कौन कोई कारण से हो नहीं पा रही थी। यही मैंने चुना, करीब 350 टीचर भर्ती कर दिए। 350 टीचर भर्ती करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं, पूरा प्रोसेस करके किया है। इसका मतलब अब ये विश्वविद्यालय देश के अंदर शानदार लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। लॉ का क्या महत्व है, अभी राजेंद्र यादव जी आपको बता रहे थे। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जो उस सपना देखा था संविधान का निर्माण करना, उसकी अध्यक्षता करना बहुत बड़ी बात थी। आज़ादी के जंग के अंदर हमारे बड़े बड़े नेता ने त्याग किए, बलिदान किए, जेलों बंद रहे, लाठे खाई, गोलियां खाई, ज्ञात अज्ञात कितने फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और संविधान निर्माण करना
आज हमारा संविधान दुनिया के अंदर अलग पहचान रखता है। ये बाबा साहब के दिमाग का खेल था कि आज इस प्रकार का संविधान बना जो सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। हमारी खुशकिस्मत है कि आज देश के अंदर आजादी के साथ में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया। शायद आपको मालूम नहीं होगा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों के अंदर भी 100 साल लग गए महिला को वोट का अधिकार देने का, बताइए आप। और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान कहता है जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ उसी वक्त से महिला पुरुष बराबरी का अधिकार प्राप्त करेंगे। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि गजब की थी। जो मुझे खुशी है, उनके नाम का कोई विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर नहीं था और मेरा दृढ़ निश्चय था कि एक विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर के नाम का होना चाहिए। अब तो शानदार कैंपस बन रहा है और आज देश में संविधान के बारे में हम कहते हैं कि देश और प्रदेश कानून का राज स्थापित रहेगा तो न्याय मिलेगा सबको। कानून का राज नहीं रहेगा तो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होंगे और न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए पहला हमारा दृढ़ निश्चय राजस्थान के अंदर है कानून का राज रहे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो पुलिस को करनी चाहिए, किसी के अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो। और इसलिए हमने सरकार बनते ही और तो और जो FIR लॉड नहीं होती थी पहले, आपको मालूम है कि भगा देते थे थाना वाले, मान सम्मान नहीं करते थे आने वाले का वहां पर। आज मैंने वहां स्वागत कक्ष बनवाए थानों के अंदर, थानेदार को और पुलिस के कांस्टेबल तक को लगना चाहिए कि स्वागत कक्ष का मतलब है कोई फरियाद लेके आए थाने के अंदर उनको सम्मान मिले बैठने का, स्वागत कक्ष। नंबर 2, FIR मैंने कंपलसरी कर दी, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, FIR थाने में दर्ज करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगा तो SP ऑफिस वाले को करना पड़ेगा। इसके माने हैं FIR दर्ज होने लग गई तो संख्या बढ़ गई। आज विपक्ष के लोग कहते थे आपकी बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया, बड़ा नहीं है, हमने संख्या बढ़ाई है न्याय दिलाने सुनिश्चित करने के लिए, न्याय मिले। FIR दर्ज होगी तो फिर उसकी तफ्तीश भी होगी, नतीजा मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा। तो न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमने महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो हर जिले में अलग इकाई बनाई है, एडिशनल SP के रैंक की पोस्ट क्रिएट करी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई वर्ग का व्यक्ति हो, न्याय सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है उसके आधार पर लोकतंत्र कायम है देश के अंदर, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हमारे यहाँ। 75 साल के बाद में पाकिस्तान के अंदर कई बार सैनिकों का शासन होता है, मिलिट्री का, हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारजी भाई देसाई को सत्ता सौंपती, वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सोनिया गांधी ने सत्ता सौंप दी, सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, खुद नहीं बनी। परंतु ये हमारी बहुत खूबी है, दुनिया लोहा मानती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे वहां मानगढ़ धाम पे, तो ये बात मैंने कही उनके सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी आप जब जाते हो दुनिया के मुल्कों में आपका सम्मान इसलिए होता है कि आप ये गांधी के देश के आए हैं, वहां के प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान के। ये हिंदुस्तान जाए जहां पर लोकतंत्र 75 साल में जड़े मजबूत कर चुका है, वहां पर डेमोक्रेसी का मान, डेमोक्रेसी की भावना, डेमोक्रेसी का विचार बहुत बड़ा विचार होता है। मई बात आप होते हो डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी है इसलिए गरीब से गरीब आदमी को हमें जो नेता बनते हैं उनको पैरों का हाथ लगाना पड़ता है, गरीब आदमी के भी वोट देना, मेरे को आशीर्वाद दे, क्यों एक वोट का मालिक वो भी है। अगर वोट का मालिक वो नहीं हो तो गरीबों को कौन पूछता देश का। तो गरीब पूछ अगर हुई है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाई है कि हर गरीब तक जाओ, वोट मांगो, आशीर्वाद मांगो, ये कोई कम
अधिकार नहीं है जनता के पास है, माई बाप जनता होती है, जब चाहे वो चुनती है तो आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मंत्री मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, नहीं चुनती है तो आप घर जाके बैठो। आज देश के अंदर दुर्भाग्य से दबाव है, जुडिशरी पे दबाव भी है, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के कई आप देखते हो कि जो छापे पड़ते हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे हमें दुख होता है। राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़े हैं, महंगाई बहुत भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, और शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत से हम सब रहे आपस के अंदर सभी लोग, ये एक पहचान हमारे देश की है। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी फैकल्टी का चयन हुआ है देश के अंदर, जैसा अभी विश्व जी कह रहे थे, इस विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा, इस प्रकार की सोच के साथ है वे इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज भूमिका बहुत बड़ी है वकीलों की, आज जो हम लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, उनकी रक्षा के करना काम भी वकीलों का होता है, जो वकील बनेंगे पढ़े करके यहाँ बनने के बाद में, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आजादी की जंग के अंदर भी वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी थी, मोतीलाल नेहरू वकील थे, महात्मा गांधी खुद वकील थे, बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे, बाबा साहब के संविधान निर्माता थे, तो उस जमाने में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है वकीलों की। आज भी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो वकील समुदाय हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे कि देश में कानून का राज स्थापित रहे, जुडिशरी पे दबाव कोई नहीं डाल सके, किसी की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, जुडिशरी पे विश्वास होता लोगों का, भाई कहीं न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, हम न्यायालय में चले जाएंगे, वो अधिकार जो मिला हुआ आपको वो समाप्त नहीं होना चाहिए। बाकी तो हम लोगों ने जो अभी वक्त नहीं है, रात का समय हो रहा है, महिलाओं को भी जाना है, घर संभालना है, इतने कहना चाहूंगा कि हमने कई स्कीमें लागू करी आपके यहाँ, रोजगार दे दिया शहरों के अंदर भी, चिकित्सा सेवाएं फ्री कर दी, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री, 10 लाख का बीमा फ्री कर दिया आपके लिए, पूरे प्रदेश के लिए 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा उसके अंदर शामिल है, और तमाम तरह के इलाज फ्री है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है किसी को, किडनी का या लीवर का, तो 10 लाख रुपए लोगो या 15 लाख लोगो, 10 लाख के बीमे के अलावा सरकार आपको देगी, आपका इलाज करवाएगी, ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, संभवतः दुनिया में कहीं नहीं है जहां आपका हर इलाज महंगे का महंगा 10-20 लाख का भी सरकार का। तो हमारी स्कीमों में कमी नहीं है, रोजगार शहरों में लग गया, आज तुम्हें भोजन मिल रहा है शहरों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे हम लोग, इसके में हमारी बहुत शानदार है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है हम लोगों ने, बिजली के बिल कम किए हैं आप लोगों के लिए, इस प्रकार से छात्रों को, युवाओं को जो मिडिल क्लास के हैं, दलित वर्ग के हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करिए किस प्रकार से वो कोचिंग कर सके फ्री के अंदर, विदेश जा सके। तो कहने का मतलब तमाम तरह के हमने स्कीमें लागू करी है, हम मौका अभी विश्वविद्यालय के शिलान्यास है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये आपका विश्वविद्यालय गंगा बहन ठीक कह रही थी कि यहाँ पर स्थापित होना चाहिए, और कहीं जा रहा था, मेरी इच्छा यही थी, और मैं समझता हूँ कि सही जगह पर 2 विश्वविद्यालय के पास पानी बन रहे हैं, और बगरू के अंदर अभी कहा गया कि कोई मांगा काम जो दिया गया है इनको, गंगा बहन बहुत खुश है और आप लोग बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं कि यहाँ पर जो जो विकार की बात की गई तमाम पूरी हुई है, खाली अब एक बिसलपुर के पानी की मांग बाकी बढ़ गई आपके बिसलपुर, और वो मांग भी बिसलपुर में पानी की कमी है, थोड़ा वक्त लग रहा है, पर मेरा प्रयास है कि किस प्रकार से बगरू के लोगों को
जो राजधानी का एक पार्ट है, मैं तो बगरू में सपना देखता हूँ, मेट्रो रेल तक का सपना देखता हूँ, तो पानी तो चीजें क्या। मैंने कई बार कहा है कि चाकटू हो, बगरू हो, चौमू हो, आस पास के इलाके जितने भी हैं, बस्ती हो, आने वाले वक्त में कभी कभी मेट्रो चले, जिससे कि पूरा जयपुर राजधानी है चारों ओर से इस प्रकार जुड़ जाएगी, ट्रैफिक जाम नहीं रहे। अभी ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या जयपुर के अंदर भी। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब बगरूवासियों को, आप सब पधारे दूर दूर से, आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, ये विश्वविद्यालय अगले साल से मुझे विश्वास दिलाया गया है भजनलाल जी और उनकी टीम द्वारा कि अगले साल से जो सेशन है लॉ यूनिवर्सिटी के और हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी के, दोनों के सेशन यही शुरू होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों भवन बन के तैयार हो जाएंगे और उद्घाटन के वक्त मुझे आना पड़ेगा, मैं आऊँगा आपके बीच में, यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे हम स्मृति चिन्ह भेंट कर। कुलपति जी से निवेदन है कि वे साहब को बुलाओ, धन्यवाद दें। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहे। तव शुभ नामे जावो शुभ आशीष जन दावो जन जन मंगल जय जय है, जय है। इसी के साथ आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सब लोग लड्डू लेकर जाएं कृपया। जी जी लंबी कला गौशाला की हो जाएगी, साफ सुबात होगी।